हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो जो आज का टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा अमेजिंग है। आपको बहुत ज़्यादा अच्छी सी टिप्स देने वाली हूँ कि आप समर्स में आप इसको कैसे ग्लोइंग रखते हैं समर्स के अंदर, एंड आप कैसे आप इसको हाइड्रेट रख सकते हैं, एंड इफ़ यू हैव ऑयली स्किन, कॉम्बिनेशन स्किन एंड ड्राई स्किन, दैन दिस वीडियो इज़ ओनली फॉर यू। तो मैं बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करने वाली, मैं जस्ट सीधा अपने पॉइंट पर आने वाली हूँ, ठीक है। तो वैसे वीडियो को शुरू करने से पहले, अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, एंड नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसे लगी, एंड नीचे कमेंट करके आप ये बताएं कि मैं और किस टॉपिक पर वीडियो बनाऊं। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने सब कुछ लिखा हुआ है यहाँ पे जस्ट फॉर यू गाइस, कि आपको कुछ भी दिक्कत ना हो एंड मैं कुछ गलत सलत ना बताऊँ आपको, ठीक है। तो दैट्स व्हाई सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है जस्ट फॉर यू, एज यू ऑल कैन सी। लाइक फर्स्ट जब आप थो के उठते हैं देन आप क्या करते हैं, आप पहले आप जो करते हैं आपका अपना फेस वॉश करते हैं, ठीक है। तो यू हैव टू चेंज योर फेस वॉश, ठीक है। इफ़ यू हैव ऑयली स्किन, ड्राई स्किन, कॉम्बिनेशन स्किन, मैं इन तीनों स्किन टाइप के लिए कहूँगी, अगर आप फेस वॉश आपको यूज़ करना है तो आप कोई अच्छा फेस वॉश यूज़ करें, ठीक है। या तो आप कोई आयुर्वेदिक फेस वॉश यूज़ करें, जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा, जो ब्रांड है आप उसके जो फेस वॉश है वो यूज़ कर सकते हैं, बिकॉज आई थिंक उसका एक उपटन का फेस वॉश है जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा है आपके स्किन के लिए। तो आप चलते हैं हम सेकेंड पॉइंट पर, विच इज़ सनस्क्रीन बिल्कुल नहीं भूलना है। बाहर जा रहे हो तो सनस्क्रीन अप्लाई करनी ही कर, बिकॉज सनस्क्रीन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जो सन रेज होती है, जो यूवी रेज होती है, बहुत ज़्यादा हार्मफुल होती है आपकी स्किन के लिए। फेस की जो स्किन होती है बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है, तो जो यूवी रेज हमारे स्किन पे पड़ती हैं तो उससे हमारे फेस पे बहुत सारा डस्ट घुस जाता है, एंड उस डस्ट को अगर हम नहीं निकालेंगे अपने फेस पे देन उससे फिर हमारे फेस पे पिंपल्स हो जाते हैं एंड हमारे फेस में कुछ ब्लेमिशेस एंड पिगमेंट। थर्ड थिंग क्या होती है, फिर एंटी ऑक्सीडेंट जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनको यूज़ करो, ठीक है। वो आपके फेस को बहुत ही ज़्यादा अच्छे से रखेंगे ना, आपकी स्किन जो भी आपका स्किन टाइप है वो उसमें ही बहुत अच्छे से आपका काम करेगा। एंड द फोर्थ टिप इज़ फ्रूट एंड वेजिटेबल्स ऐड करो अपनी डाइट के अंदर। ऑयली फूड मत खाएं बिल्कुल भी, ऑयली फूड, ज़्यादा मीठी चीज़ें, ये सब चीज़ें मत खाओ बिल्कुल भी, ठीक है। हर रोज़ जो आपको खाना है वो है वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, बिकॉज ये आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा ग्लोई रखेगा, बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। आप अपने आप को हाइड्रेट रखो, अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखो, जितना साफ रखोगे, जितना अपना वाटर पियोगे उसी चीज़ से आज आपका फेस पे भी उसमें बहुत ज़्यादा यू नो निखार दिखेगा आपको। वाटर बहुत ज़्यादा पियो, ठीक है, दिन में जितना हो सके उतना वाटर पियो। मेकअप जो अप्लाई करो तो बहुत ही ज़्यादा इजी वाला मेकअप अप्लाई करो, बिल्कुल ज़्यादा मेकअप अप्लाई करने की नीड नहीं है। देखो मेकअप बिल्कुल ज़्यादा अप्लाई मत करो, बिकॉज मेकअप जो है उसके अंदर सारे केमिकल्स हैं, केमिकल को अवॉइड करोगे उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। तो मत करो ज़्यादा कुछ अप्लाई अपने फेस पर। टोन योर स्किन, टोनर इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप जो रिफ्रेशिंग टोनर है वो वाले लें, ठीक है, बायोटिक का टोनर ले सकते हैं या फिर मम्मा अर्थ का टोनर। रिमेंबर द वैल्यू ऑफ नेचुरल रेमेडीज़ और होम रेमेडीज़, ठीक है। आपने देखा होगा कि बहुत से लोग होम रेमेडीज़ आपको बताते हैं ज़्यादातर, तो होम रेमेडीज़ वो क्यों बताते हैं, एंड होम रेमेडीज़ होती हैं और जो नेचुरल रेमेडीज़ होती हैं वो थोड़ा सा लेट वर्क करते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा अच्छा वर्क करती हैं, उसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होने वाले, उसमें कोई केमिकल नहीं होता। तो ठीक है, अब मैं आपको बताने वाली हूँ बेस्ट होम रेमेडीज़ जो कि आप अपने फेस पे लगा सकते हैं, मतलब घर की चीज़ें जो भी मतलब बेस्ट होती है वो आप अपने फेस पे लगा सकते हैं, उनमें से कोई चीज़ें, ठीक है। फर्स्ट आता है ओटमील एंड कॉफ़ी ग्राउंड। कॉफ़ी भी बहुत अच्छी होती है आपकी स्किन के लिए, बिकॉज उसके अंदर कैफीन होता है, तो उससे आपकी जो स्किन है वो बहुत ज़्यादा ग्लोई होती है एंड बहुत ज़्यादा हाइड्रेट रहती है आपकी स्किन कॉफ़ी से। कुकुम्बर में क्या होता है, वो बहुत ज़्यादा रिफ्रेश होता है, बहुत ज़्यादा अच्छा होता है आपकी स्किन के लिए वो। यू हैव डार्क सर्कल्स देन यूज़ कुकुम्बर नाउ। अगर आपके पास कोई प्रोडक्ट्स नहीं है जो आपको बताएं, तो आप जो मैं आपको बता रही हूँ, फर्स्ट आई हैव दिस ट्रेजर विच इज़ फ्रॉम न्यूट्रीजिना, एज यू ऑल कैन सी, लाइक दिस इज़ फ्रॉम न्यूट्रीजिना। इसको भी आप अप्लाई कर सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, ऑयल फ्री मॉइस्चराइज़र है ये, एंड कॉम्बिनेशन स्किन, ठीक है, दिस इज़ फॉर कॉम्बिनेशन स्किन। इफ़ यू हैव ऑयली ड्राई एंड ऑल लाइक दिस फॉर आर कॉम्बिनेशन स्किन, एंड दिस इज़ ओनली 375 rupees का। इफ़ यू वॉन्ट दिस दैन प्लीज़ टेल मी, इसका जो लिंक है मैं ज़रूर डिस्क्रिप्शन में डालूँगी, इसको मैंने फ्लिपकार्ट से लिया था, इसका जो लिंक है मैं वो ज़रूर डिस्क्रिप्शन में डालूँगी ताकि आप इसको ज़रूर से अच्छे से आगे बाय करें इसको। अगर आपको ये वाला मॉइस्चराइजर अप्लाई नहीं करना है देन मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ, वो आपको अप्लाई कर लेना। फिर ये आती है क्रीम, निविया की ये क्रीम है, बहुत ही ज़्यादा अच्छी क्रीम है ये बिल्कुल सॉफ्ट क्रीम है, एंड इसका ये लाइट मॉइस्चराइज़र है निविया की क्रीम, ठीक है। ये अप्लाई नहीं करना है तो ये अप्लाई कर सकते हो। एंड थर्ड प्रोडक्ट विच इज़ वेरी गुड फॉर योर स्किन इज़ एलोवेरा जेल। इफ़ यू हैव एलोवेरा प्लांट, गाइस प्लीज़ इग्नोर दिस, लाइक ये ख़त्म हो चुका है, प्लीज़ इग्नोर। हैव एलोवेरा प्लांट तो उसमें से सारा एलोवेरा जेल एलोवेरा निकाल के अपने फेस पर लगा लो, बिकॉज वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। एलोवेरा जेल से पहले लगाने के लिए होता है रोज़ वाटर,
लाइक दिस इज़ वेरी लिटिल सा लोड वॉर रोज वर्ल्ड एंड बहुत ज़्यादा ट्रैवल फ्रेंडली है लाइक दैट्स इट। तो ये सब जो चीज़ें मैंने आपको बताया, ये सब चीज़ें करते हैं तो डेफिनेटली आप ग्रोइंग चाहिए फिर वो सब ज़रूर आपको मिलेगा। एंड या दैट्स इट। If you guys like this video, then please do like, share, comment and subscribe to my channel right now. Please subscribe karo mere channel ko and mere 400 subscribers ho chuke hain. So thank you so much jin logon ne mere channel ko subscribe kara hai and jin logon ne abhi tak nahi kara to kar lo yaar, jaldi subscribe mere channel ko. So yeah, that's stay home, stay safe. Love you all. Bye. See ya.